हाय गाइस, यदि आप एक आईपैड यूज़र हो और आप टीचिंग वीडियोस बनाते हो या फिर ऐसा वीडियोस बनाना चाहते हो जिसमें आपको स्क्रीन और अपना फेस साथ में रिकॉर्ड करना हो बिना किसी मोबाइल या फिर कैमरा के यूज़ के बिना, तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप स्क्रीन के साथ आप अपने फेस को भी यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो क्रोम होता है या फिर कोई जैसे सफारी, उसमें आपको क्लिक कर लेना है और एक वेबसाइट को ओपन करना है बाय सर्चिंग वेब कैम टेस्ट। इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेब कैम टेस्ट। इसमें आपको जो फर्स्ट वाला जो होगा उस लिंक को क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके का क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आइकन, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है टेस्ट माई ऐप स्कैम ये कैम, इसमें आपके क्लिक करके कैमरा को एक्सेस दे देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये 100% ना हो जाए। हालांकि ये जो वेबसाइट है ये आपको बताता है कि आपका कैमरा किस तरीके से फंक्शन करता है। यहाँ पे आप टोटल ये इसका टोटल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। चलिए, जब तक 100 ना हो जाए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे जैसे ही 100% आता है यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है, इसमें फुल स्क्रीन भी आपको क्लिक कर देना है। ये आपको फुल स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको जो भी ब्राउज़र या फिर जो चीज़ में आपको पढ़ाना हो या फिर कुछ बताना होगा उस ऐप पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे स्प्लिट होल्ड करके यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ लॉन्ग प्रेस करके आपको क्या करना है, ये आपको स्प्लिट कर देना है स्क्रीन को और इसको छोटा बना देना है। ये आपका कंप्लीट स्क्रीन आ गया है। अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसमें सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करके आप देख लो कि आपका माइक ऑन है या ऑफ है। ऑन कर दो, नहीं है तो चलिए इसके बाद आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग में कर देना है। और ये आपका इस तरीके का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें आपका फेस भी है। मैं आपको लाइट ऑन करके बताता हूँ किस तरीके से। ये आप देख सकते हो, ये आप इस तरीके का स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हो या फिर कोई चीज़ अपना जैसे बताना हो आप बता सकते हो ऐसे करके। ये मेरा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा है और साथ में ये भी रिकॉर्ड हो रही है। चलो ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे आप पूरे तरीके से कर सकते हो जिसमें कि आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड है एक स्टेबल जगह रख के। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपको मार्किंग करना हो तो फिर सही है ये, या फिर कुछ बताना हो सेटिंग के बारे में या फिर कोई ऐसा वेबसाइट्स के बारे में तो फिर सही है, या फिर शेयर मार्केट्स के बारे में। लेकिन यदि आपको इसमें कंटिन्यूसली कुछ लिखना हो तो उसके लिए क्या होगा कि आप बार बार आईपैड में लिखोगे, उसके कारण आपका जो फेस वाला कैम है वो आप देखोगे स्टेबल नहीं रहेगा, वो हिलता जाएगा। तो इसके लिए यहाँ तक चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बनाना है तो मैं आपको यहाँ पे इसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। जैसे अगर इस तरीके का वीडियोस बनाना हो, देखिए बताता हूँ, अगर यदि आपको अगर इस तरीके का प्रोफेशनल वीडियोस बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। इसमें बस आपको कुछ नहीं चाहिए, एक आईपैड चाहिए और एक कोई भी कैमरा चाहिए, मोबाइल एक एक आपको मोबाइल चाहिए जिसमें कैमरा आपको यूज करना हो और एक ग्रीन पर्दा चाहिए। ये वीडियोस में मैंने कंप्लीट बताया है कि आप कैसे इस तरीके का वीडियोस बना सकते हो। जैसे ये देख सकते हो, एक मोबाइल आपको चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ, उसके पीछे पर्दा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कैसे वीडियोज़ को लिंक करने, ये आप दोनों वीडियोज़ को फिर सिंक कर दो, ठीक है, कोई भी ऐप के मदद से मैंने पूरा बताया हुआ। इस तरीके का वीडियोज़ बनाना हो तो आप ये देख सकते हो, नहीं तो ये भी आपको सही है, इस तरीके का वीडियोस भी आप बना सकते हो। चलिए, यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए कर ही दीजिए, थैंक यू।